Hey guys, myself Raz and you are watching Raz Life. Guys, हम रेड करने वाले हैं जामा जेंटा का. वेल, जामा जेंटा आ चुका है रेड में गाइज. तो मैं, तस्लीम जी एंड प्रवीण, हम करने वाले हैं रेड. ओके, देखे तो इसके स्टैट्स क्या चल रहे हैं. 22,222 पोकेमोन, ये क्या सीन है यार इसके. 22,222 पोकेमोन कॉट, ये एक, कभी सही में बोलूँ तो एपिक चीज़ है. मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसको भेजने के लिए. ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है. ओके गाइज, यहाँ पे हम 20 ट्रेनर हैं. वेल, आओ, तस्लीम जी द्वारा रेड इनवाइट यहाँ पे भेजा गया है. ओके, तो हम करने वाले रेड जामा जेंटा का. जामा जेंटा की अगुवाई करेंगे उसकी खुशी में, आने की खुशी में. वेल, मैं तो पूरा खुश हूँ. जैसियन तो फर्स्ट रेड में आया नहीं, देखो ये वाले का क्या हाल होता है. ओके, सो स्टार्ट हो चुका है. मैं म्यूटो यूज़ कर रहा हूँ गाइस, आपको पता ही होगा म्यूटो. वेल, साइकिक टाइप पोकेमोन फाइटिंग टाइप पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. एंड म्यूटो को तो वैसे भी हाई मिल रहा है रेट, सबसे मतलब टॉप पे मिल रहा है. ओके, तो गाइस, जामा जेंटा का जो बूस्टेड सीपी है एंड जैसियन का जो बूस्टेड सीपी है वो बिल्कुल सेम है. मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है तो आप चेक कर सकते हैं. 100 आई वी सी पी, वैसे 2188 है नॉन बूस्टेड एंड 2735 है बूस्टेड सीपी. ओके, अभी क्लियर कर देता हूँ. एंड विंडी वेदर, वंस अगेन विंडी वेदर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप इसके साथ में जाते हैं तो फाइट करने. आप कोई भी एक टीम लेके, वेल आप लोगों के कहीं के पास तो म्यूटो जरूरी होगा, तो म्यूटो को साइको कट विद साइट्रिक लेकर के जाओ. पूरी की पूरी एक टीम बनाओ, ज़्यादातर तो आई थिंक इसमें यही कर रहे हैं. ओके, या फिर आप मेटाग्रॉस लेके जा सकते हैं, मेटाग्रॉस का टीम जैन हेडबट प्लस ऑफ साइकिक अटैक. तो यहाँ पे गाइज बहुत ही कम समय में हम लोगों ने इसे डिफीट कर दिया है. ओके, एंड लेट्स सी हमको कितने सीपी का आईवी मिलता है. वेल, कितना सीपी मिलता है एंड कितना आईवी मिलता है. ओके, 2105, मतलब अगर किसी भी चीज़ की एक निचला सीमा हो ना तो वो वाला मिला है. बट यहाँ पे 9 रेयर कैंडी मिला है तो थैंक्स फॉर दैट. किसी को थैंक्स बोलने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि ओके ना, तो भाई हम में से किसी को भी कुछ नहीं मिला है. ना तो तस्लीम को कुछ मिल पाया, नहीं मुझे कुछ, नहीं प्रवीण को कुछ, मतलब हम सब ऐसे ही रह गए. तो गाइज आई थिंक अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जैमा जेंटा पे एक्सीलेंट थ्रो कैसे करेगा. इस ध्यान से देखना है, ठीक है, मिस नहीं करना. सर्कल को कर लेना फेस पे सेट. ओके, एंड इसके फ्रंट में आने का, मतलब आगे की तरफ जब ये बढ़े मूवमेंट करे उस समय का हमको वेट करना है. एंड देन एक्सीलेंट फेंक दोगे, एक्सीलेंट बातें नहीं फेंकना, बॉल फेंकना है, ठीक है ना. बार बार आपको यही करना है सेम चीज़. एंड एक्सीलेंट तो मतलब चुटकी में यार सबसे लीस्ट आई भी मिला है यार, सबसे लीस्ट आई भी मतलब. ओके, फिर से हमको और सर्कल को सेट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने फिर से एक्सीलेंट है वो हो जाता है. आप गलती से इधर उधर टच कर देंगे फिर से आपको सेट करना पड़ेगा. मतलब एक बार सेट कर दिए तो वेट करो, मूवमेंट किया थ्रो करो, एक्सीलेंट जाएगा ये. मतलब बिना किसी प्रॉब्लम का एक्सीलेंट अगर लेना हो तो ऐसे ले सकते हो यार, पता है.